नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन गुरुवार को भोपाल आई। यहां वे इंटरनेशनल वन मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हमने कबूतर, बंदर, चमगादड़ और बहुत उल्लू पाले हैं। अगर हमें इस धरती पर रहने का हक है तो जानवरों परिंदों का भी बराबर हक है। उनका ये हक हम इंसान उनसे नहीं छीन सकते। रवीना टंडन ने कहा कि मध्य प्रदेश मेरा मायका है। रवीना टंडन ने कहा कि हमारी माँ के पास घोंसला था, उसमें तोते का बच्चा था, माँ ने उसे रखा। इसके अलावा हमने बहुत सारे रेस्क्यू के काम किए हैं। मुझे याद है कि एक बार एक मकान की छत से चमगादड़ का बच्चा गिर गया था, हम उसे कम्बल में लपेट कर ले गए थे। हमने कबूतर, बंदर, चमगादड़ और बहुत से उल्लू पाले हैं। मैं सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करती रहती हूँ। भगवान ने इस धरती पर हर प्राणी, पशु पक्षी को किसी कारण से बनाया है, किसी का वेस्टेज नहीं है। चाहे वो चींटी हो या हाथी, या हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया है। अगर हमें इस धरती पर रहने का हक है तो उनका भी हक है। हम इंसान उनका ये हक नहीं छीन सकते। रवीना टंडन ने कहा कि हर जगह के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, उतना ही जरूरी वाइल्ड लाइफ और प्रकृति भी है। पर्यावरण और विकास दोनों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। दूसरे प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में ये अच्छी तरह निभाया जा रहा है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। खुश हूँ, बहुत बढ़िया इंतजाम है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंतजाम है। कार्यक्रम हो तो जाए फिर कहेंगे, पर जैसे जितना मेरे बड़े भाई करते हैं, जो मैं देख रही हूँ आज भी जो मेले में आई हूँ, जिस तरीके से बंदोबस्त है, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।